मजबूत हो जाए कांग्रेस, उसका रहना बहुत जरूरी। जाने बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने क्यों कही ये बात। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ख्याति पुष्करना और आप देख रहे हैं ट्रिगर न्यूज। गोंडा में नवाबगंज में नंदिनी नगर में आयोजित 3 दिवसीय ग्रैंड प्रिक्स नेशनल कुश्ती चैंपियनशिप का सोमवार को आखिरी दिन है। इसका अध्यक्षता भारतीय कुश्ती संघ के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह कर रहे हैं। बीजेपी सांसद ने बताया कि इस कुश्ती में देश के टॉप 10 और टॉप रैंकिंग के महिलाएं पहलवानों ने प्रतिभाग किया है। इसमें विजय स्वर्ण पदक पहलवानों को 15,000 रूपए, रजत पदक विजेताओं को 13,000 रूपए और कंस पदक विजेताओं को 10,000 रूपए दिए जाएंगे। वहीं राहुल गांधी को लेकर सांसद ने कहा कि ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के आने के बाद पार्टी धीरे धीरे अपना स्थान खोती जा रही है। मैं नंदिनी नगर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ी ताकत इनको दे दीजिए, ये देश के लिए जरूरी है। इसी के साथ बीजेपी सांसद ने मेरठ में हुए 400 लोगों के धर्मांतरण पर कहा, साहब ये तो अपनी मर्जी है, ये तो रोज हो रहा है। गोंडा जिले के कटरा में हो रहा है, नवाबगंज में हो रहा है और आपके गोंडा जिले में हो रहा है, ये हर जगह हो रहा है। अब क्या कहा जाए, हमारे जिले में भी परिस्थितियाँ थी। बहुत से लोग हिंदू समाज से मुस्लिम समाज में गए, उस समय परिस्थितियाँ ऐसी थी, विदेशी आक्रांताओं ने तलवार के बल पर ये किया, लेकिन इस समय क्या स्थिति है मैं उससे अवगत नहीं हूँ। वही कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के पति रॉबर्ट वाड्रा के राहुल गांधी की तुलना साई बाबा से करने और भारत छोड़ो यात्रा पर कहा, प्रयास अच्छा कर रहे हैं, हम लोग भी चाहते हैं कि कांग्रेस थोड़ा मजबूत हो जाए क्योंकि कांग्रेस का रहना बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतनी बड़ी पुरानी पार्टी है, लोकतंत्र में सशक्त विपक्ष की भी कल्पना की गई है। सांसद शरण सिंह ने आगे कहा, आज भी देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अलावा अगर किसी का पूरे देश में विस्तार है तो वह कांग्रेस पार्टी का है, लेकिन ये दुर्भाग्य है कि राहुल गांधी के आने के बाद पार्टी धीरे धीरे अपना स्थान खोती जा रही है। मैं नंदिनी नगर में बैठकर भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि थोड़ी ताकत इनको दे दीजिए, ये देश के लिए जरूरी है। वही गुजरात में हुए पुल हादसे पर कहा कि हमने सुना है कि 200 वर्ष पुराना पुल था, 5 से 10 दिन के अंदर शायद मरम्मत भी हुई थी। उन्होंने कहा कि मैं समझता हूँ कि इस पर कोई ना कोई जांच कमेटी अवश्य बैठेगी, कहाँ पर चूक हुई है, कहाँ गलती हुई है, इसकी भी चूक जरूर पता लगाई जाएगी। तो आपका इस पर क्या विचार है हमें बताइए हमारे कमेंट सेक्शन में और सब्सक्राइब कर लीजिए हमारा चैनल ट्रिगर न्यूज। धन्यवाद।